दोस्तों पेश है ओ हैनरी की लिखी कहानी अक्तूबर ते जून। ये कहानी ऋषि हिरदेपाल ने अनुवाद की है अते आवाज है जगसीर दी। कंध ते टंगी तलवार नू कैप्टन बड़े जोश भरिया निगाहां नाल देख रहा सी। कोल ही उहदी वर्दी टंगी हुई सी जिस ते मौसम अते सेवा अनुसार पुराने निशान अपनी कहानी कह रहे सन। इदां लगदा सी युद्ध के खतरे के उन्हां पुराने दिनों नूं बीत्या किन्ना लम्मा समा लंघ रहा सी। ते हुण देश दे औखे वेले दा एक बहादुर एक अल्लड़ दीआं नशीलीआं अखां ते मुस्कराहट दे सामने एक निगुणे जिहे सिपाही वांग असमर्थ महसूस कर रहा सी। वह अपने शांत कमरे च बैठा उस खत नूं देख रहा सी जो हुणे हुणे मिलिया सी। इह खत किसी होर दा नहीं उसे अल्लड़ दा सी। इह खास सी जिसने उन्हों परेशान करके रख दिता से। वह खत दियां उन्हां सत्रां नूं वार वार पढ़ रहा से जिसने उहदियां उम्मीदां ते पानी फेर दिता से। खत च लिखा सी तू जो अपनी पत्नी बन दा सन्मान मैनू पेश कीता है उन्हें ठुकराउण तों पहलां मैं तैनू सब कुछ खुल के दसना चाहुंदी हाँ। मैं जो हले तीक समझ आए उहदे हिसाब नाल साडे विच उम्र दा फासला ही सब तों वड्डा कारण है। मैं तैनू बहुत पसंद करदी हाँ पर मैं निश्चित रूप में कह सकती हाँ साडा व्याहता जीवन खुशहाल नहीं होगा। मैनू दुख है कि मैनू इदां कहना पै रहा है पर मैं जानती हाँ सही कारण दसन ते तू मेरे इस कदम ते इमानदारी की कदर करेगा। कैप्टन ने डूंगा साह भरदिया अपना सिर अपने हाथों ते रख लिया। जी हाँ दोहां की उम्र च सच्ची एक वड्डा फासला सी पर वह काफ़ी तंदुरुस्त मजबूत ही नहीं सी बल्कि काफ़ी दौलतमंद भी सी। उसका समाज में माण के सन्मान भी सी। उहदे प्यार भाव परवाह करन दे गुण ते ओ सुविधावां जो उन्हूं दे सकदा सी उन्हूं देख के भी वह उम्र के इस फासले नूं भुला नहीं सकती सी। नाल ही कैप्टन भी इस गल नूं लैके आसवंद सी कि वह उन्हूं पसंद करती सी ते उहदी परवाह भी करती सी। कैप्टन तुरंत निर्णा लैण वालियां विचों सी। युद्ध के मैदान च वह अपनी मुस्तैदी ते फुरती लई हरमन प्यारा सी। उन्हें निर्णा लिया कि उन्हें मिलकर अपने प्रस्ताव लिए मनाने की कोशिश करेगा। उन्हें लगता सी उम्र की की औकात जिहड़ी प्यार ते उहदे विचकार दीवार बन सके। दो घंटे च वह अपनी जिंदगी की सब तो वड्डी लड़ाई ते जाने लिए तैयार हो गया। वह रेलगड्डी राही दक्षिणी शहर टैनिस पुज्जा जिथे उहदी प्रेमिका रहिंदी सी। थियोडोरा डे सिंह बरांडे च खड़ी गर्मियां की ठंडी चाननी का आनंद लै रही सी तदे कैप्टन उहदे घर पहुंचा। उन्हूं वेखद्या ही वह बिना संग दे मुस्कराई। कैप्टन के एक पौड़ी हेठां खड़े होण कारण उन्हां विचकार उम्र का फासला पता नहीं सी लग रहा। वह काफ़ी लंबा ते गुंदवें शरीर का जवान सी। थियोडोरा ते भी जवानी की बहार आई हुई सी। थियोडोरा ने कहा मैं कदे नहीं सी सोचा कि तू आवेगा ते ना ही मैं तेरा इंतजार कर रही सी। हुण तू आ गया है तो आ इत्थे पौड़ी ते बैठ। कि तैनू मेरा खत नहीं मिलिया? हाँ मिलिया सी ता ही तो मैं इत्थे आया। मैं हाले भी आखदा तू अपने जवाब ते एक बार फिर सोच लै कैप्टन ने कहा। थियोडोरा कैप्टन की गल ते मुस्कुरा पई। इस उम्र च भी कैप्टन दे चेहरे ते उही रौनक सी। शायद थियोडोरा भी उहदी ताकत शख्सियत ते मरदानगी की दीवानी सी। उसने मत्थे ते हथ रखदा कहा नहीं नहीं हुण तां सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। मैं तैनू बहुत पसंद करती हाँ पर विआह नहीं करा सकती। मेरी ते तेरी उम्र च काफ़ी अंतर है। मैनू वार वार कहने लई मजबूर ना कर। मैं खत च सारा कुछ साफ साफ कह चुकी हाँ। थियोडोरा का जवाब सुन के कैप्टन एकदम सुन्न हो गया। काफ़ी चिर तक कैप्टन चुप रहा दुख भरिया निगाहां नाल वह धुंधला धुंधला वेख रहा सी। जंगल के दूजे पासे वह एक मैदान वल वेख सकता सी जिथे कदी नीली वर्दी वाले जवानों ने मुहिम ते जाण वेले डेरा लाया सी। हुण लगदा किन्ना लम्मा अरसा बीत गया है। सच्ची वक्त ते होणी ने उहदे नाल बहुत वड्डा मजाक कीता है। कुछ सालां दे वक्फे ने उहदी जिंदगी दे विच इक वड्डी कंध खड़ी कर दित्ती है। थियोडोरा ने बड़े ही प्यार नाल कैप्टन दे हत्थां नूं फड़िया। उह इह तां समझदी सी कि इह भावुकता सिर्फ वधेरे प्यार दे कारण ही है। उहने हौले जिहे कहा इनू इन्नी संजीदगी नाल ना लै। ये साडे दोवां दी बेहतरी लई है।
मैं पूरी ईमानदारी नाल सच्चाई नूं तेरे सामने पेश कीता है। एक दिन तू भी मेरे नाल व्याह ना करन दे फैसले ते खुशी जाहर करेगा। मैं कुछ समय दे लई बहुत खूबसूरत ते वधिया लगांगी, पर सोच कुछ समय बाद साडे ख्यालां ते पसंद नापसंद विच किन्ना अंतर आ जाएगा। साडे विच एक अग कोल बैठ के नावल पढ़ना चाहेगा, जां हो सकदा है बुढ़ापे नाल जुड़ी किसी बीमारी का इलाज करवा रहा होवेगा। उत्थे दूजा नचण गाउण फिल्मां देर रात दीआं पार्टियां ते खाने की इच्छा रखेगा। नहीं मेरे दोस्त, यह जनवरी ते मई का मामला नहीं है, असल विच साफ तौर ते यह अक्तूबर ते जून की शुरुआत का मामला है, जिस दे दरम्यान का फासला बहुत ही ज़्यादा है। पर कैप्टन कित्थे समझण वाला सी, वह हाले भी जी जान नाल थियोडोरा नूं मनाउण दी कोशिश कर रहा सी। मैं हमेशा उही करूँ जो तू चाहेंगी थू, जे तू चाहें तो मैं नहीं, तू नहीं कर सकेगा, तैनू हुण लग रहा है कि तू कर लवेगा, पर वक्त आते तू अजिहा नहीं कर सकेगा। खुदा दे वास्ते हुण इस मसले ते गल करनी बंद कर। कैप्टन ए लड़ाई हार चुका सी, पर वह बहादुर सिपाही सी। जद वह अलविदा कहन लई उठा तो उहदे चेहरे ते कठोरता चमक रही सी ते मोढे फैले हुए सन। कैप्टन ने उसे रात उत्तर वाल दी गड्डी फड़ी। दूजी सवेर वह अपने कमरे च पहुँच चुकया सी जिथे उहदी तलवार टंगी हुई सी। वह रात की रोटी लई तैयार हो रहा सी ते अपनी खूबसूरत टाई नूं बड़े ही प्यार नाल बन रहा सी। नाल दी नाल वह मन च बुड़बड़ा रहा सी, हाँ मैनूं लगता कि थियोडोरा सही कह रही सी। कोई इस गल तो इनकार नहीं कर सकता कि खूबसूरत है, पर उहदी उम्र 28 तो घट तो होवेगी नहीं। ते तू खुद नूं वेख, तू केवल 19 दा ऐ ते जिसकी तलवार परेड तो बिना किधरे होर नहीं वरती गई, जिसनों वह अमरीका स्पेन युद्ध च शामिल होने बराबर समझदा है।